हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम सब इसमें सबसे पहले हमने व्हिटेकर का 5 किंगडम थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था 5 किंगडम हमने पढ़े थे प्रोटेस्टा मोनेरा सॉरी सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा, फिर फंजाई, उसके बाद प्लांट किंगडम और फिर एनिमेलिया किंगडम। तो हमने मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई के बारे में कंप्लीट कर लिया था, डिस्क्राइब में स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम का मोस्ट जो करेक्टर होता है, ये मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट्स में इंक्लूड किए गए हैं मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड यूकैरियोटिक प्लांट्स आते हैं इस किंगडम में। और प्लांट किंगडम में डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट, फिर टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म्स। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सिंपलेस्ट से कॉम्प्लिकेटेड की ओर है। यानी सबसे पहले ये जो एल्गी हम पढ़ेंगे, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप क्लास है प्लांट किंगडम की। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एल्गी। एल्गी यहाँ से हम देखते हैं कि एल्गी आर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड प्लांट्स। क्लोरोफिल बियरिंग यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, ये इसका मोस्ट करेक्टर है। और थैलॉइड प्लांट्स, थैलॉइड का मतलब होता है कि इनकी प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि इनमें जो प्लांट बॉडी है, उसमें क्लियर रूट, लीफ, स्टेम और लीफ नहीं होते, इसलिए इसको कहते हैं कि एल्गी की प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। दे लैक सेल डिफरेंशिएशन एंड वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि इनमें ये मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता, कि पर अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग सेल्स डिस्क्राइब नहीं होती हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज जैसे जाइलम, फ्लोयम, ये एब्सेंट होते हैं इसमें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, तो इन सच केसेस एवरी सेल ऑफ बॉडी हैव पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस वेयर ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर। यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और तो इसका मतलब है कि जो प्लांट की जो बॉडी है, उसकी हर सेल एक हर सेल में रिप्रोडक्शन की पोटेंशियल होता है, पावर होती है। जो एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, एंड फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज F.F. फ्रिट्स, FRITCSCH, फ्रिट्स कहते हैं इनको, ये फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं। अब हम इसके एल्गी के जनरल करेक्टर्स पे देख रहे हैं। हैबिटेट जो एल्गी का होता है, हैबिटेट का मतलब कि ये कहाँ रहते हैं, तो एल्गी आर प्रीमोडियली एक्वेटिक, यानी कि सबसे पहले जो एल्गी जनरेट हुई थी वो एक्वेटिक। थ्रू आल्सो फाउंड इन अदर हैबिटेट्स, they are found in fresh water, salty and marine water, in ice, in moist conditions. Some algae are found in unusual place also. Next आता है thallus organization। अभी हमने पढ़ लिया कि इनकी plant body thalloid होती है, यानी कि plant body root, stem और leaf में differentiated नहीं होती है। एक main बात, they are mostly represented by गैमेटोफाइटिक जनरेशन। हमने जब प्लांटिक किंगडम के करेक्टर्स पढ़े थे, जब हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में दो जनरेशंस होती हैं, एक तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन और एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो इनमें जो थैलॉइड होता है इनका, जो यानी मेन प्लांट बॉडी होती है, वो गैमेटोफाइटिक होती है। और ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो इनकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक जनरेशन को शो करती है। इनका थैलस यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकते हैं और ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं एल्गी। नेक्स्ट आता है दे लैक
टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड वेस्कुलर टिश्यू जो अभी हमने पढ़ा था। सेल वॉल मेन इसका करेक्टर है ये। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। एल्गी क्योंकि प्लांटिक किंगडम है तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल इनकी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट ऑल एल्गी आर यूकैरियोटिक, ये अभी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। ईच साइनोबैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको हमने मोनेरा में रखा हुआ है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होती है नेचर में इसलिए। नेक्स्ट करेक्टर एल्गी का, एल्गी आर फोटो ऑटोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटो का मतलब लाइट और ऑटो का मतलब खुद अपना फूड बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसलिए इनकी सेल्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई प्रेजेंट होते हैं। साथ में अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल्स एक्सेट्रा, और ये सभी पिगमेंट्स प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है। स्टार्च इज यूजुअली मेन स्टोर फूड मटेरियल इन एल्गी, रेयरली फैट्स एंड ऑयल्स। यानी एल्गी में जो फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है स्टोर होता है वो जनरली स्टार्च की फॉर्म में होता है, फैट और ऑयल की फॉर्म में रेयरली ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट, अच्छा ये नेक्स्ट देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन एल्गी बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। यानी एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल मेथड से भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं फ्रेगमेंटेशन, फिशन, इसके अलावा एडवेंटिशियस ब्रांचेज हैं, ट्यूबर्स हैं, बडिंग है, इनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फेवरेबल कंडीशंस में होता है जिनमें कि कुछ स्पोर्ट्स बनते हैं और ये स्पोर्ट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल स्पोर्ट्स का एग्जांपल है जू स्पोर्ट जिनमें कि फ्लैजिला होते हैं जिससे कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है ए प्लानो स्पोर्ट्स। ये नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं और इन स्पोर्ट्स के जर्मिनेट होने से नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस मेनली इन अनफेवरेबल कंडीशन, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है और ये भी थ्री मेथड से होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। अभी इनके बारे में हम आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इस टाइप से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं। यानी इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड का मतलब है कि ये इनके चारों ओर कोई कवरिंग नहीं होती है। मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है इनमें उसे कहते हैं एंथीडियम, जिसमें एंथीरोजॉइट्स बनते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें होता है ओगोनियम जिसमें की एग का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं मेल और फीमेल के, और दोनों जब गैमिट्स बनते हैं तो गैमिट्स का फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनता है। जायगोट इज फॉर्म्ड बट नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस, यानी जायगोट तो बनता है लेकिन जायगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लोन्ट अभी मैंने बताया कि इनका जो थैलॉइड होता है वो हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन को शो करता है, और गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसी होती है, हैप्लोइड होती है, तो इसको हम कहेंगे कि इनमें हैप्लोन्टिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। और जो गैमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन को शो करती है विच इज हैप्लोइड डोमिनेंट होती है, ये मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइटिक है हैप्लॉइड है ये डोमिनेंट होती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, और उस पर डिपेंड होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो कि डिप्लॉइड होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और लेस डोमिनेंट होती है। तो ये सारे करेक्टर्स थे एल्गी के। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी क्या होते हैं।